हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में एक टूल बॉक्स के कंट्रोल की जिसका नाम होता है स्क्रॉल बार ठीक अब स्क्रॉल बार को अगर हम आ, बात करें तो जैसे आपका माउस होता है माउस में एक हमारे बीच में स्क्रॉल बटन होता है जिसके थ्रू हम अप डाउन मूव करते हैं तो यही हमारा स्क्रॉलिंग का फंक्शन होता है यानी कि हम स्क्रॉलिंग को एक जनरल लाइफ से आपको समझा रहे हैं कि जनरल लाइफ में स्क्रॉलिंग की बात करें तो वो किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो द स्क्रॉल बार इज़ अ कॉमनली यूज कंट्रोल विच इनेबल्स द यूज़र टू सेलेक्ट अ वैल्यू बाई पोजिशनिंग इट एट द डिज़ायर्ड लोकेशन यानी कि स्क्रॉल बार जो है ये हमारा कॉमनली यूज करने वाला कंट्रोल है जो कि इनेबल करता है यूज़र को यानी कि यूज़र को परमिट करता है कि वह वैल्यू को सेलेक्ट करे पोजिशनिंग इट यानी कि उसको पोजिशन करके कि उसको किस पोजिशन में जाना है एट द डिज़ायर्ड लोकेशन उसकी जो डिजायर्ड लोकेशन है उसकी उस डिजायर लोकेशन की किस पोजिशन में जाना है इट रिप्रजेंट आर सेट ऑफ़ वैल्यू यानी कि जो हमारा स्क्रॉल बार होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ़ वैल्यूज यानी कि इसमें कई वैल्यूज़ होती हैं उनके सेट्स को रिप्रजेंट करता है द मिनी द मिन एंड मैक्स प्रॉपर्टी रिप्रजेंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अब मिन और मैक्स प्रॉपर्टी जो होती है हमारे स्क्रॉल बार में वह रिप्रेजेंट करती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्रॉल बार रिप्रेजेंट इट्स करंट वैल्यू अब जो वैल्यू प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बार की वह रिप्रेजेंट करती है इसकी करंट वैल्यू को दैट मे बी एनी इंटीजर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू असाइंड अब वह जो है जो हमारे स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करती है वैल्यू प्रॉपर्टी वह हमारी कुछ भी हो सकती है या तो वह हमारी इंट, इंटीरियर वैल्यू में कुछ भी हो सकती है जो कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में असाइन की होगी अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम स्क्रॉल बार की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स के स्क्रॉल बार होते हैं फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड सेकंड वन इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार ठीक तो हम जनरली बात करें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो हम विजुअल बेसिक की हेल्प से विंडोज़ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रॉल बार प्रोवाइड्स एन इंट्यूटिव वे टू मूव थ्रू अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि स्क्रॉल बार जो है ये प्रोवाइड करता है इंट्यूटिव यानी कि एक इनिशिएटिव इनिशिएटिव वे इनोवेटिव वे यानी कि नया एक प्रोसेस जो कि हमें मूव करने के लिए या लिस्ट ऑफ़ इंफॉर्मेशन यानी कि लिस्ट ऑफ़ इंफॉर्मेशन पर मूव करने के लिए इनेबल uh, करता है एंड मेक ग्रेट इनपुट डिवाइसेस और हमें बनाने के लिए काफ़ी इनपुट डिवाइसेस यानी कि इनपुट जैसे कि टैक्स वॉक्स होते हैं ठीक है उन या फिर हम जिसके थ्रू इनपुट कर सकते हैं स्क्रॉल बार होता है वो सॉरी कॉम्बो बॉक्स होता है लिस्ट बॉक्स होता है हमारा तो उसमें ये हमें इनेबल करता है इन्फॉर्मेशन को एज आ इनपुट कंसिडर करने के लिए बोथ टाइप ऑफ स्क्रॉल बार आर कंप्राइज ऑफ थ्री एरियाज यानी कि यह दोनों टाइप्स जो होते हैं स्क्रॉल बार के हमारे ये हमें कंप्राइज करते हैं थ्री एरिया से यानी कि थ्री वे से हम इनको इस पर वर्क कर सकते हैं फर्स्ट वन क्लिक आप देखते होंगे देखें यहाँ पर स्क्रॉल बार है हमारा स्क्रॉल बार में आप देख रहे होंगे ये एरो साइन है तो हम एरो साइन पर क्लिक करके कर भी इधर उधर मूव कर सकते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं और ड्रैग बीच में आप देख रहे होंगे स्क्रॉल बार स्क्रॉल बार थंब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं एंड लास्ट वन है टू चेंज द स्क्रॉल बार वैल्यू हम क्या प्रॉपर्टी विंडो में जाकर स्क्रॉल बार की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हमारे स्क्रॉल बार की फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी और वह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हमारा स्क्रॉल बार मूव कर जाएगा देन अब हम बात करते हैं स्क्रॉल बार प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि स्क्रॉल बार की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो फर्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा होता है लार्ज चेंज लार्ज चेंज यानी कि इंक्रीमेंट एडेड टू और सब्ट फ्रॉम द स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी व्हेन द बार एरिया इज कलेक्ट द बार एरिया इज कलेक्ट यानी कि बार एरिया जब हमारा क्लेक्ट होता है तब उस समय हमारी जो स्क्रॉल बार की वैल्यू प्रॉपर्टी होती है उसको हम या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्क्रॉल बार है ये हमारे पास लार्ज चेंज दे रखा है यानी कि इसके थ्रू हम वैल्यू को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं इं, इंक्रीमेंट मतलब मिनिमम साइड में ले जाएंगे तो डिक्रीमेंट होगा हमारा और हम इधर की साइड ले जाएंगे मैक्सिमम साइड में ले जाएंगे तो हमारा इंक्रीमेंट होगा लार्जेस्ट चेंज में देन नेक्स्ट आता है हमारा मैक्स यानी कि अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि मैक्स और मिन जो होते हैं हमारे ये हमारे स्क्रॉल बार की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो द वैर वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एट द फॉर राइट एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार एट द बॉटम कैन रेंज फ्रॉम माइनस थ्री टू सिक्स सेवन एट टू पॉजिटिव के थ्री टू सेवन सिक्स सेवन यानी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बात करें तो फ्रॉम द राइट साइड फ्राम द राइट साइड और अगर हम वर्टिकल स्क्रॉल बार की बात करें तो बॉटम यानि कि नीचे बॉटम में ठीक यानी कि अगर हम वर्टिकल की बात करें तो हमारा राइट right साइड में ठीक है राइट right साइड में ठीक और अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे इन द बॉटम हम मैक्स को यानि कि जो मैक्स हमारा व्यवहार करता है जिसकी वैल्यू होती है हमारी माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से प्लस के थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक नेक्स्ट होता है हमारा मेन द अदर एक्सट्रीम वैल्यू द स्क्रॉल बार एट द लेफ्ट एंड द वर्टिकल बार एट द टॉप ठीक अगर हम स्क्रॉल बार की बात करें तो हॉरिजोंटल बार में हमारा क्या होता है मिन जो होता है वह हमारा लेफ्ट साइड में होता है और इसमें हमारा टॉप साइड में होता है सेम जो वैल्यू होती है मिन की वी वह माइनस थ्री टू सेवन सिक्स सेवन से प्लस सॉरी माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से प्लस के थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक होती है अगर हम बात करें स्मॉल चेंज की बारे यानी कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की टू द इंक्रीमेंट एडेड टू और टू फ्रॉम द स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी व्हेन आइदर ऑफ द स्क्रॉल बार एरो इज क्लिक्ड ठीक है अब एरो जो होता है यानी कि ये या एरो जो दे रखा है आपके पास स्मॉल चेंज अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारी स्क्रॉल बार की जो प्रॉपर्टी है वो स्लोली स्लोली इस साइड मूव करेगा यानी कि उसकी वैल्यू में हमारी पर्टिकुलरली स्लाइटली चेंज होता रहेगा चाहे हम मिनिमम साइड का एरो क्लिक करें या मैक्सिमम साइड का एरो क्लिक करें देन लास्ट वन आता है हमारा वैल्यू वैल्यू की अगर हम बात करें तो द करंट पोजिशन ऑफ द स्क्रॉल बॉक्स थम विद इन द स्क्रॉल बार यानी कि जो हमारी करंट पोजिशन होती है स्क्रॉल बॉक्स की विद इन द स्क्रॉल बार यानी कि उस पूरे स्क्रॉल बार में तो इफ़ यू सेट दिस इन कोड विजुअल बेसिक मूव द स्क्रॉल बॉक्स टू द प्रॉपर पोजिशन यानी कि इस प्रॉपर जो हमारा ये स्क्रॉल बॉक्स स्क्रॉल बॉक्स होता है इसकी हमने प्रॉपर स्क्रॉल बार में जो वैल्यू सेट कर रखी होगी तो उसी तो वह अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉपर पोजीशन पर वह स्टेबल होगा यानी कि उस समय एट द रन टाइम वह वहाँ पर ही मिलेगा चाहे हम फिर चाहें उसे अप डाउन या लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकें यानी कि यह इसकी जो पोजिशन होती है स्क्रॉल बार में एट द रन टाइम वह उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसको लोकेशन प्रोवाइड करती है तो अब हम बात करें तो जनरली ये हमारा मिनिमम हो गया ये हमारा मैक्सिमम हो गया ये हमारा स्मॉल चेंज हो गया यानी कि जब स्मॉल चेंज जब होता है जब हम एरो क्लिक्ड करते हैं वैल्यू क्या होती है हमारी वैल्यू होती है हमारी जिस जहाँ पर भी हमारा जो इस्कॉल बॉक्स होता है उसकोल तो बार में हमारा लोकेट होता है अब अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू एट द रेंट टाइम यह है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो हमारा लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं और यह होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार स्क्रॉरबार हम टॉप टू बॉटम के लिए यूज़ करते हैं इसमें भी हमारा सेम फंक्शनिंग होती है मिनिमम हमारी ये होता है इसमें टॉप मार होता है और इसमें हमारा मैक्सिमम बॉटम में होता है हम इसको मिनिमम uh, जो होता है मैक्सिमम जो होता है ये क्या होता है कि जब हम वैल्यू uh, को इधर लेकर जा रहे होते हैं तो हमारा डिक्रीमेंट होता है जब हम स्क्रॉल बॉक्स को इधर लेकर जाते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट होता है दोनों की जो रेंज होती है वो माइनस थ्री टू सिक्स सेवन सिक्स एट से थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक होती है ठीक लार्ज वैल्यू क्या होती है हमारी लार्ज चेंज या लार्ज वैल्यू क्या होती है हमारी कि जब हम इसकी स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं वन द बार एरिया इस कलेक्ट यानी कि हम जब बार एरिया पर क्लेक्ट करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर जो जिस कोऑर्डिनेट पर हम इसको क्लिक करेंगे जो अपने इसी पोजीशन पर आ जाती है ठीक तो इस तरीके से हम स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टीज़ को यूज करके स्क्रॉल बार पर फंक्शनिंग करते हैं देन अब बात करते हैं स्क्रॉल बार इवेंट्स के बारे में यानी कि हम स्क्रॉल बार में क्या क्या इवेंट्स को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इवेंट है हमारा स्क्रॉल बार में इवेंट इस ट्रिगर्ड आफ्टर द स्क्रॉल बार पोजिशन हैज़ बीन मॉडिफाइड यानी कि चेंज इवेंट हमारा जब एक्टिव होता है जब हम स्क्रॉल बार की पोजीशन में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं यूज़ दिस इवेंट टू रिट्रीव द वैल्यू प्रॉपर्टी आफ्टर एनी चेंजेज इन द स्क्रॉल बार यानी कि हम इस ईवेंट की प्रॉपर्टी को जब रिट्रीव करते हैं जब हम प्रॉपर्टी में जो वैल्यू होती है यानी कि वैल्यू प्रॉपर्टी जो होती है उसमें अगर हम स्क्रॉल बार की कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं यानी कि उसमें जो भी हम चेंजेस करते हैं उसके लिए हमें वहाँ पर चेंज इवेंट का यूज़ करना होता इस्क्रॉल नेक्स्ट इवेंट है स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर्ड कंटिन्यूसली वन एवर द स्क्रॉल बॉक्स इज बींग मूवड यानी कि हम स्क्रॉल बार के इवेंट को कंटिन्यूसली क्लिकड कर रहे हैं तो वह स्क्रॉल बार जब मूव करता है तो वहाँ पर हम कंटीन्यूसली स्क्रॉलिंग के लिए वहाँ पर स्क्रॉल इवेंट का यूज करते हैं स्क्रॉल इवेंट का यूज करते हैं तो ये आज जो हमने पढ़ा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा हमने जिसका हमारा नाम था स्क्रॉल बार जो कि स्क्रॉल बार एक कंट्रोल है जो कि हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है इसमें हमने जाना कि स्क्रॉल बार जो होता है ये हम विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल बार की अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसमें कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लार्ज चेंज स्मॉल चेंज मिन मैक्स वैल्यू जिसको हमने इजी मेथड में इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू यानी कि इस पिक्चर इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि अगर हम मिनिमम मिनिमम जो प्रॉपर्टी होती है वह हमारी जब इम्प्लीमेंट होती है जब हमारी स्क्रॉल बार की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा होता है और जब इंक्रीमेंट हो रहा होता है तब तो हम मैक्स प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है दोनों की जो रेंज होती है वो माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से पॉजिटिव के थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक होती है देन वैल्यू का क्या मतलब होता है यानी कि पर्टिकुलर जिस पोजिशन पर होता है हमारा स्क्रॉल बॉक्स इन द स्क्रॉल बार यानी कि थम्भ जो होता है हमारा स्क्रॉल थंब वो हमारा प्रॉपर जिस पोजिशन में होता है अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं देन लार्ज चेंज क्या होता है जब हम स्क्रॉल बार के एरिया में क्लिक कर उसको पर्टिकुलरली हमारा स्क्रॉल बार होता है उस पोजीशन पर आ जाता है यानी कि हम पर्टिकुलरली जिस कोऑर्डिनेट पर क्लिक कर रहे हैं यानी कि जिस वैल्यू पर क्लिक कर रहे हैं वह उस वैल्यू पर अपना मूव हो जाता है तो यह हमारा लार्ज चेंज कहलाता है स्मॉल चेंज क्या होता है जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल बार में जो हमारे एरोज अवेलेबल होते हैं लेफ़्ट टू राइट लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप एंड बॉटम साइड में ठीक है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वह हमारा उसकी जो पोजिशनिंग चेंज होती है स्क्रॉल बॉक्स की उसको हम स्मॉल चेंज बोलते हैं तो यह हमारा आज जो हमने डिस्कस करा और हमारे दो इवेंट्स होते हैं जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी में तो हम चेंज इवेंट का यूज़ करते हैं स्क्रॉल हम जब यूज़ करते हैं स्क्रॉल इवेंट हम जब यूज़ करते हैं जब हम इवेंट को कंटिन्यूसली ट्रिगर्ड कर रहे होते हैं सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा सो so आज के लिए थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे